ये अच्छा है? नहीं है। ये अच्छा है? ये पहनने से तो मुझे हड्डी ही लगेगी। इस फिगर ने भी चूतिया बना के रखी है। 2 साल पहले भी मैं ऐसी ही थी, अब भी मैं ऐसी ही हूं। अरे कोई लड़का घूटता तक नहीं। बट डजंट मैटर, अपना टाइम आएगा। मम्मा मम्मा, निकलने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी खाना लगाओ। हाय देवा, ये क्या हलवा रखी रखी है बिस्तर की? खुद तो कुछ काम नाम करती नहीं घर की, ये सब भी तो मुझे ही सब करना पड़ेगा। चल जा, टेबल पे खाना लगा हुआ है, जल्दी से खा ले। आई महारानी। देखो ना मम्मी, एक भी ड्रेस शूट नहीं कर रही है। क्या मैं कभी मोटी नहीं बन पाऊंगी? सब मुझे बांस का डंडा बुलाते हैं। अरे उदास मत हो बेटी, ठीक से खाएगी तब भी तो जाकर मेरी बेटी मोटी बनेगी ना। चल जा, जल्दी से खा ले। काम के समय एक भी ऑटो टोटो नहीं मिलती, अब रहो इधर खड़े होकर। एक आ रही है। रुको 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 रुको। विक्टोरिया कॉलेज चलोगे? हाँ हाँ बैठिए ना। ये तो पूरे फुल है, आपने रुकाया क्यों? अरे मैडम फिगर देखिए आपकी, अब कहीं भी हट जाओगी। बैठ जाइए। मतलब कुछ भी, चलो निकलो। अरे इतू ना, अरे इतू, कितने दिन बाद मिले हैं हम। फिर से कैसी है तू? हाँ बहुत दिन बाद मिले हम। वैसे क्या कर रही है आजकल? वैसे कांटेक्ट वांटेक्ट भी तो नहीं है। मैं तो सीबिल पढ़ रही हूँ। वैसे तू क्या कर रही है? उखाड़ रही हूँ। ओए कहाँ भागी तू? ओ हाँ कॉलेज छोड़ चुकी हूँ सेकेंड ईयर पे, अब ऐसे ही घूम फिर रही हूँ। अगर HS क्वालिफिकेशन में कोई जॉब वगैरह मिल जाए। ओ सो सैड। तुझे याद है ना, एग्जाम के टाइम तुझे कुछ भी नहीं आता था, तू हर समय रोती रहती थी, कोई तुझे हेल्प भी नहीं करता था, मेरे लिए ही तो तू पास हो गई। यस वो बचपन कितना अच्छा था ना रे। साली चुड़ैल, अगर मेरी बस चलती तो अभी इसी वक्त तेरी गान मार देती, मगर तू तो खुश किस्मत है, तू भी लड़ती और मैं भी लड़ती। वैसे तू इतनी पतली कैसे हो गई रे? ये ड्रेस भी तो तुझे शूट नहीं कर रही रे। इतनी दुबली कैसे हो गई? पहले तो इतनी दुबली थी नहीं। कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम खराब चल रही है एक्चुअली। अच्छा बहुत लेट हो चुकी है, अभी मुझे निकलना है। हाँ अरे सुन ना। नहीं अभी नहीं, बहुत लेट हो चुकी है। पर साला एक भी टोटो नहीं मिल रही है, किस्मत खराब है। अरे ईतू, लो और एक प्रॉब्लम आ गई। आज किसका मुंह देखकर नींद टूटी है भगवान। हाँ आंटी कैसे आप? हाँ बेटा अच्छी हूँ, तुम्हारे रिजल्ट कैसा हुआ? सेकेंड ईयर पे कितने परसेंट आए? ओह आंटी एक्चुअली मैं सेकेंड ईयर पे कॉलेज छोड़ चुकी हूँ। ओफो सो सैड। कोई बात नहीं बेटा, एक्चुअली सब बच्चे तो मेरे बच्चे की तरह अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकती ना। पर तुम इतनी पतली क्यों हो चुकी हो? मम्मी खाना वाना खिलाती नहीं क्या? ओ हाँ तुम तो फेल हो चुकी हो इसकी वजह से। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
कुछ तो बात है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। वो तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट के जो सक्सेना के बेटा है ना, उसके साथ तुम्हारे कुछ अफेयर वफेयर चल रहा है। और मैंने ऐसा भी सुना है, अगर ये प्यार बार के चक्कर में एक बार फंस जाओ ना, तो तुम्हारा फिगर तो गया। फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। अगर मेरी बस चलती तो इसकी भी गांड मार देती मैं, मगर ये खुशकिस्मत है, ये भी लड़की है और मैं भी लड़की हूँ। वैसे आंटी, इन सब बातों से आपकी क्या मतलब, और प्रॉब्लम क्या है आपकी? नहीं नहीं, अब बोलो ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब खुद भी तो कोई भारती सिंह नहीं हूँ ना, खुद की फिगर देखिए कभी आईने पे। अरे और क्या बोल रहे थे आप आंटी? मेरे बाप माँ मुझे खिलाते नहीं, तो आप अपने बेटे को क्या ऐसा हाथी बिरयानी खिलाती हो जो डे बाई डे ऐसी गैस बलून की तरह फूल रही है? फिगर देखकर तो लगता है अगर दो हाथी को फेविकॉल से ऐसे करके चिपका दिया जाए तो हाथी भी बेचारा शर्मा जाए। अरे क्या, अरे अरे, उसकी बूब्स भी तो ऐसे फुटबॉल की तरह बड़ा बड़ा है। मैंने कभी पूछा क्या किसने दबा दबा कर ऐसे बड़ा किया? और तो और, उसके बॉडी के सबसे हाइलाइटेड पार्ट इज उसकी हिप्स। मैंने कभी पूछा क्या किसने उसको दबा दबा कर ऐसे बड़ा कर दिया है? नहीं ना। और रही बात अफेयर की, आप भी तो वो चड्डा अंकल के टूटा फूटा और स्कूटर के पीछे ऐसे चिपक के बैठ कर पूरे शहर घूमते हो। मैंने कभी बोला क्या? अरे वो तो मेरा कॉलेज है। अच्छा कॉलेज, परसों ही तो आप दोनों के एक साथ पार्क में देखा था मैंने। अरे मैम, मैं तो वो जॉगिंग करने गई थी। अच्छा, झाड़ के पीछे। अगर आपको दूसरों की लाइफ लेकर इतना ही प्रॉब्लम है, तो इतना प्रॉब्लम लेकर जिंदा रहने की क्या जरूरत, मर जाओ ना। देखिए आंटी, कौन पतली है, कौन दुबली है, कौन मोटी है, किसका बड़ा है, किसका छोटा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन कितने बजे घर लौटती है, कौन किसके साथ सोता है, किसके रूम से ज्यादा चीखने की आवाज आती है, किसके रूम से कम आती है, इसके अलावा कुछ कामधाम है क्या आपकी? इन सब से बाहर निकल के तो देखिए एक बार, दुनिया बहुत बड़ा है। मैं पतली हूँ, मेरे जैसे कई लड़का लड़कियाँ पतली है, और आपकी बेटी जैसी मोटी भी है। हम लोग अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर बहुत खुश है, हम ऐसे ही रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, हमारे लाइफ स्टाइल लेकर, हमारे ड्रेसअप लेकर इतना ही प्रॉब्लम है, तो निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई हक नहीं बनता तुम्हारे दूसरों की लाइफ में टांगे रहने की। निकल, पहली फुर्सत पे निकल और भाग उधर। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. Knock knock. Thank you so much for watching Candid Kelly. I am Iti. This is my first video on my YouTube channel. अगर आपको ये video पसंद आया तो comment करके ज़रूर बताना और like कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फ्री है। अगर ये आपका डेली लाइफ का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, अगर नहीं है तो भी शेयर करना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि फ्री है। एंड ऑलवेज कीप सपोर्टिंग मी, और हमार प्राण शखा शुक्रिया जरा आचिस तरह वीडियो के शेयर कर दिबी। सी यू सून, खटा।